मऊ से मोदी की चार सालों की बड़ी पड़ताल हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के गोंदिया, जहां पर चुनाव होने हैं और वहां पर भी बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी और एनसीपी के उम्मीदवार में सीधी टक्कर है। इस सीट पर एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन इस टक्कर की अहम कड़ी तीसरा चेहरा नाना पटोले हैं। नाना पटोले 2014 में भंडारा गोंदिया सीट से बीजेपी के टिकट पर ही सांसद बने थे, लेकिन मोदी से नाराज होकर नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में आ गए। हालांकि उपचुनाव में नाना पटोले को टिकट नहीं मिला, क्योंकि गठबंधन में एनसीपी ने यहां से उम्मीदवार उतारा है। नाना पटोले कुनबी समाज से आते हैं, जिसके भंडारा गोंदिया सीट पर सबसे ज्यादा वोटर हैं। गौरतलब है कि नाना पटोले ने पिछले चुनाव में प्रफुल्ल पटेल को हराया था, लेकिन अब नाना पटोले के साथ आने से एनसीपी कांग्रेस गठबंधन को जीत की उम्मीद है। एनसीपी ने नाना पटोले के कुनबी समाज से ही अपना उम्मीदवार बनाया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।